दोस्तों, तो आज ट्रेंड वीडियो में जानने वाले हैं कि जो हमारा एसी होता है उसमें गैस चार्जिंग और गैस टॉपअप कैसे करते हैं। तो पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेक्शन लाइन में हमने गैस का एक लाइन लगा दिया है जो कि ब्लू लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर भी है, मैनिफोल्ड गेज भी है। तो कभी भी आपको जब गैस चार्जिंग करना है यानी गैस टॉपअप करना है तो आपको सेक्शन लाइन में लगाना है, यानी मोटी वाली लाइन में गेज का एक लाइन लगाना है। और दूसरी लाइन यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का, जो कि हमने सिलेंडर में लगाया है। तो R22 का जो सिलेंडर होता है, कभी भी आप गैस टॉपअप करो तो पलटी करके सिलेंडर को गैस टॉपअप करना चाहिए, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके लिए हमारा मशीन में गैस जाता नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो हमने येलो लाइन से हमारा गेज में जाएगा, गेज के बाद से आपका आउटडोर में हमारा जो गैस है वो जाएगा। तो कभी भी आपको गैस टॉपअप करने के सामने आपको बहुत सावधानी से और सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो हमने एक गेज के लाइन अपने सेक्शन लाइन में लगा दिया है, और दूसरा येलो लाइन जो बीच वाली लाइन है वो सिलेंडर में लगा दिया है। एंड ये वीडियो हम R22 गैस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मशीन जो है वो R22 गैस है। तो यहाँ देख सकते हो जो हमारी मोटी लाइन है वो हमारी सेक्शन लाइन है, उसमें हमने लगा रखा है। नीचे वाली लाइन हमारी डिस्चार्ज लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर होता है, तो कभी भी आप उसमें गैस टॉपअप ना करें, सिर्फ ओनली प्रेशर चेक करने के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, कभी भी आपको गैस टॉपअप करने से पहले आपको क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा खोल देना होता है, जिससे कि जो हमारा एयर है, जो हमारा पाइप में एयर होता है, जब आप नए नए एसी में गैस लगा के और सिलेंडर को यूज करोगे तो जो हमारा पाइप होता है उतना दूर खाली रहता है जिसमें हमारा एयर रहता है। तो कभी भी आप गैस को खोल के फिर यहाँ से बीच का लाइन खोल के एयर को रिलीज कर देना चाहिए, बाद में गैस को टॉपअप करना चाहिए या गैस चार्जिंग करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे गैस को थोड़ा पलटी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेंडर में थोड़ा गैस कमती था। फिर अभी हम यहाँ पे आपको खोल के दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे खोल देने के बाद आपका जो हमारा पाइप में जो भी एयर होएगा वो निकल जाएगा, उसके बाद से हम इसको यहाँ से खोलेंगे। तो खोलने के लिए अगर आप हाथ से खोल सकते हो तो खोल दो, क्योंकि हमारा जो मैनिफोल्ड गेज है वो टूट चुका है और इसका ऊपर का चाबी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पानी से खोलेंगे और हमारा गैस टॉपअप करेंगे। तो फिर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे हाथ लगा के आपको चेक कर लेना होता है कि जो हमारा सेक्शन लाइन है उसमें रिटर्न आ रहा है कि नहीं। अगर रिटर्न आ रहा है तो यानी आपका जो एसी है वो गैस टॉपअप हो रहा है और आपका जो एसी है वो अच्छे कंडीशन में चल रहा है। सेकेंड ये भी है कि आप जो आउटडोर है, आउटडोर का जो फ़ैन मोटर है उसका भी आप चेक कर सकते हो। अगर फ़ैन मोटर में जो हवा है नॉर्मल, अगर गैस कम रहेगी तो क्या होएगा कि एयर जो है वो ठंडा आएगा और हल्का गर्म आएगा, लेकिन जब आपका मशीन फुल मोड पे चलेगा यानी फुल गैस चार्जिंग रहेगा तो आपका जो पाइप है वो चिल्ड होएगा सेक्शन लाइन और गैस एयर जो है वो गर्म आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो गैस है वो टॉपअप हो रहा है, यानी हमारा गेज में गैस शो कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा ग्लास अभी पुराना हो गया है। तो अभी हम इसको ओपन कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि जो हमारा गैस है वो किस तरह से प्रेशर शो करता है। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, क्योंकि इसी एसी इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के बारे में वीडियो हमारे इस चैनल पे आता रहेगा और आपको कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो हमारा फ्रेंड गैस कितना कम दिखा रहा है, यानी 50 से बहुत नीचे है। तो ये मशीन में हमारा गैस बहुत कम है, क्योंकि ये मशीन बहुत दिनों से बंद था और हमने चेक किया तो हमारा जो पिन होता है, चार्जिंग पिन होता है, वहाँ से ये गैस हमारा लीकेज हो गया था। तो चार्जिंग पिन लीकेज होने के लिए हमने वहाँ पे कैप लगा दिया, जिससे हमारा गैस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और अभी हम इसमें गैस टॉपअप करेंगे। तो गैस टॉपअप करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो हमने गेज का एक लाइन, गेज का जो मीटर है वो खोल दिया है वाल्व, और जिससे अभी हमारा गैस मशीन में जा रहा है। तो मशीन में गैस जाने के टाइम सुई ऊपर में जाती है, तो देख सकते हो 100+10 है, यानी हमारा मशीन में गैस अभी चढ़ रहा है यानी जा रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड गैस टॉपअप करते हैं, और भी सारे प्रोसेस हैं वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखें तो आपको हर बारे में पता चल जाएगा किस तरह से टॉपअप करते हैं। और टॉपअप करने के टाइम एक चीज़ का और भी ध्यान देना चाहिए कि आपको कंटिन्यू गैस को नहीं डालना है, रुक रुक के डालना है, जिससे हमारा मशीन में लोड नहीं आएगा। क्योंकि अगर कंप्रेसर आपका चल रहा है और एक ही बार में आप गैस डालना चाह रहे हो तो इससे कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत सेफ्टी देना है। गैस टॉपअप करने के टाइम आपको रुक रुक के यानी गैस थोड़ा सा खोलना है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, यानी
अगर आप गैस 1 किलो डाल रहे हो तो कम से कम 3 से 4 बार में गैस डालना है अगर टॉपअप करना है तो। 1 किलो गैस तो यानी ज़्यादा हो गया कि अगर आपका मशीन लीकेज है तभी 1 किलो गैस उसमें कमती है, नहीं तो अगर उससे थोड़ा कम है तो आपको मशीन को थोड़ा थोड़ा गैस टॉपअप करना है, एक ही बार में पूरा फुल टॉपअप नहीं करना है। अगर फुल टॉपअप करेंगे तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। और सेकंड प्रॉब्लम है, जब आपका मशीन गैस चार्ज हो जाता है तो आपको क्या करना है कि कैसे पता करें कि हमारा एसी में गैस चार्ज पूरा अच्छे से हो गया है, तो आपको क्या करना होता है, फ़ैन के ऊपर हाथ लगाना होता है और उसको चेक करना होता है हवा चारों साइड में। अगर चारों साइड में आपका जो हवा है बिल्कुल सही आ रहा है यानी गर्म आ रहा है, हीटअप आ रहा है, तो आपका जो गैस चार्जिंग है वो 100% सक्सेस है और आपका जो गैस टॉपअप है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, यानी आप अभी गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब ट्रिक हैं, आप यूज करके गैस टॉपअप को ईजिली कर सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।